नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय ट्रेडिंग चैनल विद अजय। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं और समझने वाले हैं ऐसी स्ट्रेटजी जिसको आप एक बार देख लेते और समझ लेते बहुत आसान है, तो आपको मार्केट में फिर पैसा कमाने में आसानी होती है। अभी क्या होता है कि कैंडल के बारे में हमें पता है, बट अगर नहीं पता है तो मैंने वीडियो बनाया हूँ तो उसको जाके ज़रूर देखिए। कैंडल बहुत ज़रूरी होता है, कैंडल और पैटर्न। बट ये जो है ऐसा इंडिकेटर है, एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ कि आपको बताता है कब बाई करना है और कब ख़रीदना है, कब बाई करना है और कब सेल करना है। तो आप देख सकते हैं निफ्टी है, निफ्टी का मैंने चार्ट लगाया और मैंने इसमें ट्रेड किया। तो निफ्टी जो है फरवरी का, जीरो टू हीरो में नहीं, क्योंकि जीरो टू हीरो में थोड़ा सा मैं कम रिस्क लेता हूँ। तो आप देखेंगे इसमें क्या रहता है कि ख़रीदने और बेचने को टाइम मिलता है, और आज मंथ का एक्सपायरी था निफ्टी का। तो मैं जीरो टू हीरो कम करता हूँ, मुझे क्लियर इंडिकेशन मिलता है या तो ऑलरेडी मैंने इसमें कॉल लिया था तो इसके लिए मैंने जीरो टू हीरो नहीं किया। तो आप देख सकते हैं प्राइस जो है यहाँ, नेक्स्ट एक्सपायरी है तो टेंशन भी नहीं है, ख़रीदने बेचने का टाइम मिलेगा जो जीरो टू हीरो में नहीं मिलता है। अब यहाँ देखेंगे 72 रुपीज़ मैं लिख देता हूँ प्राइस जो है, स्ट्राइक प्राइस जो है 22 250 का है, ठीक है, निफ्टी का। एंड जो है ईएमए में यूज़ करता हूँ, क्लियर बता रहा है, क्लियर बाई का सिग्नल दिया, सिग्नल दिया। प्राइस क्या चल रहा था 72 73 में, 72 में बाई हुआ, मीन्स 72 में बाई। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि स्ट्राइक प्राइस जो है निफ्टी का ईएमए क्लियर बाई का सिग्नल दिया प्राइस 72 में, और आप देख सकते हैं तो 151 तक गया है। यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, बीच में आप देखेंगे तो यहाँ ट्रैप किया है, बट यहाँ शूटिंग स्टार बनाया, ये शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार बनने के बाद थोड़ा सा नीचे आया, तो लेकिन ईएमए जो है बता रहा है कि नहीं आप कंटिन्यू ट्रेड में कीजिए, क्योंकि ये ईएमए दोनों दूर दूर है और जो है यहाँ आके टच होके डायरेक्ट, तो यहाँ आके सपोर्ट लेता है। मार्केट कभी भी स्ट्रेट नहीं जाता है ना, मार्केट जो है थोड़ा सा रिलैक्स करता है, तो यहाँ मार्केट रिलैक्स किया, साइडवेज हुआ थोड़ा सा, रिलैक्स किया, तो रिलैक्स करने के बाद थोड़ा सा हायर हाई बनाया, ठीक है। तो यहाँ हायर हाई बनाया और यहाँ जो है देखेंगे तो आपका जो प्राइस है 156 रुपीज़ गया। तो आपने अगर बाई करते हैं और क्लियर इंडिकेशन, आपको वेट करना है फॉर क्लियर इंडिकेशन, क्योंकि जब तक क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ट्रेड लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 154 तक अभी चल रहा है, लाइव में दिखा रहा है 154 प्राइस चल रहा है। तो इतना तो अगर नहीं रुकते तो भी आपका जो टारगेट डेली दिन का सेट करते हैं तो प्राइस अभी कंटिन्यू है। प्राइस है इन लाइव मार्केट, मैंने इसका सेटिंग भी बताया हूँ तो आप वीडियो देखिए, क्योंकि सेटिंग जो है अभी देखिए 154 157 पर प्राइस है इन लाइव मार्केट। यहाँ हायर हाई को हटा देता हूँ, तो आपको फिर क्या हो जाता है ना कि बाई कब करना है सेल कब करना है किसी पे डिपेंड नहीं होना है, ठीक है, पता होना चाहिए। बट क्या हो जाता है कि अगर आपको ऐसे इंडिकेटर मिलते, खुद मैं यूज़ करता हूँ और काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, आप देखेंगे तो इसमें कमाते हैं, तो इसमें बहुत क्लियर जो है यहाँ हायर हाई फॉर्मेशन बनाया, ठीक है। तो मार्केट जो है
ऐसे क्लियर इंडिकेशन देता है और आपको फिर ट्रेड लेने में भी आसानी होती है, चाहे कॉल का हो चाहे पुट का हो। तो आप देखेंगे तो यहाँ से आपने बाय किया, यहाँ होल्ड किया, फिर यहाँ गए, और नीचे देखेंगे तो नीचे भी क्लियर इंडिकेशन दिया, तो दो ट्रेड मिला। ये कंसोलिडेशन मोड पे तो ट्रेड करना नहीं होता है, यहाँ कंसोलिडेटेड है मार्केट, तो साइडवेज मार्केट में ट्रेड करना नहीं होता है, वो टाइम में वेट करना है, वेट करने की आदत डालना पड़ेगा। अगर आप वेट करने का आदत नहीं है तो उसको प्रैक्टिस कीजिए, साइडवेज मार्केट में मैं लिख देता हूँ, वेट करना चाहिए, वेट डोंट ट्रेड, ये भी लिख देता हूँ डोंट ट्रेड। तो क्या हो जाता है कि आपको वो टाइम में केवल देखना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में जो है, यहाँ लिखता हूँ साइडवेज मार्केट में, साइडवेज मार्केट वेट डोंट ट्रेड। तो अभी आप देख सकते हैं क्लियर, इसका सेटिंग मैं बता देता हूँ। इसको आपको इंडिकेटर में जाना है, इंडिकेटर में जाने के बाद EMA टाइप करना है, ठीक है। EMA आ गया मूविंग एवरेज, ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको हाइड कर देता हूँ या डिलीट कर देता हूँ। तो आपको EMA टाइप करना है, दो बार EMA टाइप करना है, ठीक है, दो बार EMA टाइप करना है। और EMA टाइप करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद ये 9th को जो है 5 कर देना है और ओके कर देना है, सेकेंड वाले को 13 कर देना है, 13 कर देना है और ओके कर देना है। तो आप देखेंगे तो ये सेटअप जो मैंने बताया वही रेडी हो गया। आपको यहाँ बाई करना था और कंटिन्यू करना है ट्रेड जब तक क्रॉस नहीं होता है या जब तक आपका टारगेट अचीव नहीं होता है। कंसोलिडेशन मार्केट में ये नहीं काम करता है, ठीक है, कोई भी इंडिकेटर हो कंसोलिडेशन मार्केट में नहीं काम करता है। ये इंडिकेटर जो है मैं खुद पैसे दे के सीखा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखें और समझें और पैसे कमाएं, क्योंकि मार्केट में पैसे कमाना जो है आसान होता है, बट लॉस करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कोई बताता नहीं है। मैं इस चैनल इसके लिए बनाया हूँ क्योंकि जो मैं प्रॉब्लम फेस किया हूँ मेरे लाइफ में ट्रेडिंग टाइम में, वो जो नए लोग हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो इजीली सीखे और इजीली जो है पैसे कमाए, कहीं पैसे देने की ज़रूरत नहीं उनको पड़े, ठीक है, फीस न भरना पड़े। तो ये रहा EMA के बारे में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो 5 और 13 लगा के आप बाई और सेल कर सकते हैं, जब नीचे की तरफ क्रॉस होता है तो सेल करना है, जब ऊपर की तरफ क्रॉस होता है तो बाई करना है। तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो 2.5% टाइम्स, मतलब आपका पैसा डबल से ज़्यादा हो जाता है। तो अगर ऐसे ट्रेड मिल रहा है तो आप मिस मत कीजिए जब तक EMA एक दूसरे के डिस्टेंस में है। तो ये रहा जो है लाइव मार्केट में मैंने आपको बताया कि कैसे ट्रेड ले सकते हैं, और सेटिंग भी मैंने बताया EMA का, या इंडिकेटर में जाके आपको EMA टाइप करना है, ठीक है। EMA का फुल फॉर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, इसी के इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों का मुझे फ़ोन भी आता है जो मेरे नोन टू है कि भाई मुझे बताओ एक बार, तो मुझे लगा कि शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगा या यूज़ करने में डिफ़िकल्टीज़ होती होगी, तो इसके लिए मैंने फिर से एक बार एग्जांपल से मैंने बता दिया। मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए जाता है, न कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो ऐसे फॉर्मेशन में आपको मार्केट बाई अपॉर्चुनिटी देता है, और हायर लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो ऐसी फॉर्मेशन अगर बनाता है तो फिर आपको सेल अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू सो मच।